नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाले पीईटी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग सिलेबस को जो है कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम लोग इतिहास के अंतर्गत जो है हड़प्पा सभ्यता भाग दो और इसका जो अंतिम भाग लेकर के जो है आए हुए हैं और इस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में जो है हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के जो है आधे भाग को जो है कवर किया हुआ था और आज के इस लेक्चर में जो हम लोग यहाँ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक और अन्य कलाकृतियों को जो देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग साथ में चलने का जो प्रयास कीजिए और धीरे धीरे इस तरीके से ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो सामाजिक जीवन को जो देखने का प्रयास करते हैं, आज की डेट में अगर सामाजिक जीवन को पूछा जाए तो इसका तात्पर्य यह होता है कि समाज में लोगों के रहने की जो है किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वहां पे कौन कौन से वर्ग रह रहे हैं, उनके खाने पीने उठने बैठने के क्या तरीके होते हैं, उन्हीं बिंदुओं के संदर्भ में हम लोग यहाँ की जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी जीवन प्रणाली थी उसको देखने का जो है प्रयास करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है लोगों के जो जीवन प्रणाली थी, जो सामाजिक जीवन था, उसमें जो इकाई थी वो परिवार था। परिवार था और विभिन्न प्रकार के स्थलों पर जो मुहरों पर और जो साक्ष्य पाए गए हैं वहां पर जो है उससे यह स्पष्ट होता था कि यहाँ की जो सत्ता थी, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो मातृ सत्तात्मक जो व्यवस्था थी, क्योंकि अनेक स्थानों पर जो है मातृ देवी की जो है पूजा के जो है साक्ष्य मुहरों पर भी जो है प्राप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो है मातृ सत्तात्मक जो है व्यवस्था जो है थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि यहाँ की इकाई जो थी वो परिवार था और इसी तरीके से जो है विभिन्न साक्ष्यों में मातृसत्तात्मक जो व्यवस्थाएं जो है पाई गई हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वहां की जो सामाजिक ढांचा और व्यवस्था था वो मातृसत्तात्मक जो है था। और इसी तरीके से चूंकि यहाँ पर नगरीय व्यवस्था थी तो व्यापारियों के भी जो है साक्ष्य यहाँ से जो प्राप्त होते हैं, तो व्यापारी भी वर्ग था। और इसके साथ में ये चीज अगर इसको इस तरीके से कहा जाए कि यहाँ पर जो है बहुवर्गीय जो है सामाजिक व्यवस्थाएं थी तो बेहतर होगा, क्योंकि व्यापारी भी थे, शिल्पकार भी थे, श्रमिक भी थे और इसी तरीके से जो है प्रशासक वर्ग भी था। तो बहुवर्गीय जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुवर्गीय जो है व्यवस्थाएं विद्यमान थी, बहुवर्गीय जो है सामाजिक जो है संरचना यहाँ पर देखने को जो है मिलती है। और यहाँ के लोग आभूषणों को जो है पहनते थे, महिला और पुरुष दोनों ही लोगों के द्वारा, दोनों महिला और पुरुष दोनों वर्गों के द्वारा आभूषण धारण किया जाता था। और भोजन में अगर देखा जाए तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का जो है ये लोग प्रयोग करते थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी प्रयोग करते थे। वस्त्रों में अगर देखा जाए तो ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र, यानी कि यहाँ पर दो दो का जो है एक साथ में इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो है आप लोगों को एक जो है क्रम बन सके, एक ट्रेंड बन सके, जिससे कि इसे याद करने में और समझने में आसानी हो। यानी कि जो धारण करते थे वो बस ऊनी और सूती दोनों धारण करते थे, आभूषण भी जो है स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। और इसी तरीके से जो है इन लोगों के यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जो भोजन की जो व्यवस्थाएं इन लोगों के यहाँ थी, तो इस तरीके से दो दो के जो जोड़े जो है यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे मनोरंजन के साधन के रूप में पासे का खेल सबसे ज्यादा जो है प्रचलित था और पशुओं की लड़ाई, पासे जो है पासे का खेल, तो ये दोनों ही जो है चीजें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की यहाँ पर सामाजिक जो है जीवन के जो है साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, सामाजिक जीवन के साक्ष्य इस तरीके से जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन में दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो जो है शिल्प एवं कला को हम ले लेते हैं, शिल्प एवं कला को जो है शामिल करते हैं, और दूसरी तरफ जो है व्यापार। शिल्प और कला के क्षेत्र में जो है यहां पर कई प्रकार के जो है क्षेत्रों में शिल्प कला दिखाई पड़ती है, शिल्प कला से संबंधित वस्तुओं के प्रयोग होने के भी साक्ष्य यहां पर जो है मिलते हैं। अब शिल्प कला में जो है दो तरीके की चीजें हैं, एक तो धातुओं से संबंधित था, यानी कि यहाँ पे धातुओं का भी प्रयोग होता था, और दूसरा जो है मिट्टी,
मिट्टी से थे। तो धातुओं के अंतर्गत जो है एक और चीज पिछली कक्षा में बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो धातुओं के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कांसे के जो है निर्माण बर्तन, कांसे के हथियार औजार का निर्माण होता था, उसके प्रयोग की बातें आती थी। और कांसा, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कांसा जो है वो तांबे और टिन से मिलकर के बनता था, तो तांबे और टिन का जो है आयात भी किया जाता था अगर आवश्यकता अनुसार, और उसके आधार पर जो है यहाँ पे बनाए जाते थे। तो कांसे से संबंधित जो शिल्पकला अपने जो है चरम पर थी। यद्यपि सभ्यता जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ती है तो बाद में यहाँ अन्य धातुओं के, सोने और चांदी के भी जो है सिक्के इत्यादि भी जो है बनाए जाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से धातुओं के अंतर्गत जो है कांसा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो धातु था जिसके औजार हथियार बनाए जाते थे। और मिट्टी के अंतर्गत जो है मिट्टी में जो है यहाँ पे ईंट बनाई जाती थी, और पक्की ईंटों की जो घरों की वो बातें आई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा था कई प्रकार के जो है भवन और स्थापत्य कला के साक्ष्य मिले हैं, जैसे अन्नागार है, स्नानागार है, दो मंजिला भवन है, दुर्ग है, ये सारी चीज़ें होती थी। और दूसरी जो है मोहरे भी यहाँ पे प्रयोग में लाई गई हैं। तो ईंट बनाए जाते थे, मोहरे भी बनाई जाती थी। तो मिट्टी के क्षेत्र में भी जो है शिल्पकला यहाँ पर जो है ये विकसित था। तो कहने का मतलब है कि शिल्पकला अगर देखा जाए कि तुलनात्मक रूप से, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और ये काफ़ी कुछ जो है विकसित अवस्था में पाया जाता है, जो कि धातुओं के क्षेत्र में भी था और मिट्टी के जो क्षेत्र में भी जो है यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अभी शिल्पकला जो हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद हम व्यापार को देखते हैं। अब व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? परिवहन का साधन। व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? परिवहन का साधन। तो परिवहन में यहाँ पर जो है बैलगाड़ी का जो है ज्यादा उपयोग किया जाता था, और उसके जो साक्ष्य भी जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से जो है जैसे, और इसी तरीके से जो है चन्हुदड़ो से जो है मोहनजोदड़ो से जो दो चक्के वाली जो है खिलौना गाड़ी, इसी तरीके से चन्हुदड़ो से जो है चार चक्के, चार से चन्हुदड़ो और चार से चार चक्के वाली जो है खिलौना गाड़ी के भी जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये चीजें बताती हैं। और इसी तरीके से देखा जाए तो बनवाली से भी जो है, बनवाली से भी बैलगाड़ी के पहिए के निशान प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों फैक्ट हो गए कि मोहनजोदड़ो से दो, चन्हुदड़ो से चार, और इसी तरीके से बनवाली से जो है बैलगाड़ी से बनवाली और बाद से बैलगाड़ी के जो है पहिए के निशान यहाँ से जो है प्राप्त होते हैं, जो ये बताता है कि यहाँ पर जो व्यापार की गतिविधियां थी, परिवहन के जो साधन थे, वो बैलगाड़ियों के माध्यम से होते हैं। अब दूसरा है कि वो कौन से वस्तु होते थे जिसमें व्यापार होता था। तो यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने की जरूरत है, वो यह है कि ये ग्रामीण व्यवस्था नहीं थी, नगरीय व्यवस्था थी। तो नगर व्यवस्था में व्यापार सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर ग्रामीण व्यवस्था होती तो कृषि के उत्पादों में जो है व्यापार होता, लेकिन ये नगरीय व्यवस्था थी, इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो धातुओं का व्यापार होता था, पत्थरों से बनाए हुए औजार और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का व्यापार होता था, हड्डी का व्यापार होता था, मड़ियों को जो है लैपिस लेजुली भी जो है यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरीके से जो है इन वस्तुओं में व्यापार होता था। अब व्यापार यहाँ से होता था तो इसमें विनिमय, व्यापार किस माध्यम से होते थे? विनिमय जो है यहाँ पे, विनिमय की व्यवस्थाएं जो है प्रचलन में जो है रही है। अब कहाँ से व्यापार होता था? तो मध्य पूर्व के देशों से भी जो है व्यापार के जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज स्थान था वो मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया जो है वो पश्चिमी एशिया का जो है एक स्थल है, इराक के क्षेत्र में जो है ये था। तो यहाँ से जो है व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। और मेसोपोटामिया के भी जो है अभिलेखों में व्यापार करने की बात मेलुहा नामक स्थान से हुई है, जो कि सिंध का प्राचीन नाम था। अर्थात ये बात सिद्ध होती है कि भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के व्यापार कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से जो होते हैं। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो है दिलमुन और माकन से भी जो है व्यापार होने की बात कही गई है, जो कि हड़प्पा सभ्यता और इसके जो बीच में जो पड़ता है। तो इस तरीके से ये बातें सिद्ध होती हैं कि व्यापार की भी जो गतिविधियां भारत में काफी अच्छी स्थिति में थी, और व्यापार जो है स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग से भी जो होता था। ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि यहाँ से जो है लोथल से, जैसा कि पूर्व के कक्षा में भी बताया गया है, लोथल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इसी तरीके से नाव के भी जो साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, यहाँ से नाव के भी जो है बनाए जाने के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
तो इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे जल मार्ग के माध्यम से भी जो व्यापार होता था, अर्थात यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियां थी जल मार्ग से और स्थल मार्ग, इन दोनों माध्यमों से होती थी। मूल रूप से अगर आज की डेट में पूछा जाए तो मध्यपूर्व या पश्चिम एशिया या उस समय के देश में देखा जाए तो मेसोपोटामिया से होती थी। मिस्र से भी जो है संबंध बताए गए हैं, मिस्र से भी संबंध स्पष्ट होते हैं, लेकिन उसके साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं मिलते हैं या उससे व्यापार की गतिविधियां बहुत कम होती थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या उस प्रकार की गुड़िया की जो है वहां पे साक्ष्य जो है प्राप्त किए गए थे जो है मिस्र से। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक जो है विकसित सभ्यता की जो विशेषताएं यहाँ पर जो दिखाई पड़ती हैं, जो आर्थिक जीवन के रूप में शिल्प कला व्यापार के रूप में जो है यहाँ पे प्रतिबिंबित होती है। सामाजिक जीवन के साथ साथ हम लोगों ने आर्थिक जीवन को देखा और राजनीतिक जीवन को भी जो है यहाँ पर हम लोग देखने का जो है प्रयास करते हैं। राजनीतिक जीवन, यद्यपि यहाँ पर राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्ट साक्ष्य बहुत नहीं मिलते हैं, किंतु जिस तरीके से यह सभ्यता विकसित थी और व्यापक जो क्षेत्रों में फैली हुई थी, इससे ये बातें स्पष्ट होती हैं कि ये केंद्रीय सत्ता जो है यहाँ पर मजबूत था, केंद्रीय सत्तात्मक जो है यहाँ पर जो है व्यवस्था रही होगी, केंद्रीय सत्तात्मक जो है व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान रही होगी। और चूंकि यहाँ पर जो है नगरीय व्यवस्था थी और व्यापारी वर्ग जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में थे, तो यहाँ जो है सत्ता जो है वणिक वर्ग के हाथों में रही होगी। तो आप लोगों को केवल यहाँ पर जो है दो फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वणिक वर्ग के हाथों में थी और उसका स्वरूप जो था वो केंद्रीय सत्तात्मक प्रकार का था, इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और चूंकि ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, यहीं से व्यवस्थित रूप से ऐतिहासिक जीवन क्रम प्रारंभ होता है हमारे यहाँ, अगर देखा जाए लेखन शैली के बाद के कहानी, तो कुल मिलाकर के इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। धार्मिक क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें, धार्मिक क्षेत्रों का तात्पर्य किसी अतीन्द्रिय विषय के बारे में जो है लोगों की जो सोच और विश्वास होता है, वही उसके धार्मिक जीवन का भाग होता है। तो यहाँ पे जो है स्त्री की जो है मिड मूर्तियां प्राप्त हुई, मिट्टी की जो है मूर्तियां जो है या पक्की मिट्टी की जो है स्त्री की मूर्तियां जो है प्राप्त हुई हैं, जो ये बताता है कि यहाँ पर जो है मात्र सत्तात्मक किस्म की व्यवस्था थी और पूजा के जो है यहाँ पे प्रमाण भी मिलते हैं। और एक जो है मिड मूर्ति में जो है उसके गर्भ से वृक्ष को निकला हुआ दिखाया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे फैक्ट है। और ये चीज बताता है कि ये पृथ्वी को उर्वरा शक्ति के रूप में मानते थे, क्योंकि जो है वृक्ष कहीं ना कहीं जो है उत्पादन और विकास की दशा और अवस्था को दिखाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे धार्मिक अगर जीवन के बारे में देखने का प्रयास किया जाए तो मिड मूर्ति जो है स्त्रियों की मिड मूर्तियां जो है यहाँ पे पाई गई हैं और उससे जो है यहाँ पे उनकी पूजा करने के जो है साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, धरती को उर्वरा शक्ति के रूप में मानने के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ में जो है पुरुष देवता के भी साक्ष्य जो है वहाँ पे जो है एक मुहर पर जो अंकन मिलता है, उसमें तीन प्रकार के जो है सिंह जो है तीन सिंह जो है दिखाए गए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर योगी है, योगी के जो साक्ष्य मिले हैं वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, यानी कि पैर को एक दूसरे पर मोड़ करके बैठे रहने की स्थिति को पद्मासन मुद्रा कहा जाता है। और जिनके चारों तरफ चार प्रकार के जो है पशु अंकित हैं, इसमें हाथी बाघ भैंसा और गैंडा के जो है बातें कही गई हैं उन चित्रों में जो दिखाया गया, उनके पैर के तरफ दो हिरण को जो दिखाया गया। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि उसके धार्मिक जीवन को जो है व्यक्त करता है। इसी तरीके से धार्मिक जीवन में अगर देखा जाए तो यहां पर जो है योनि और लिंग पूजा के भी जो है प्रमाण मिले हैं, जो कि पत्थरों पर जो है बना करके जो है इसकी पूजा किए जाते थे, बाद में यही जो है शैव धर्म से भी जो संबंधित माना गया जो है। इसके साथ में वहां पे वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। अब वृक्ष पूजा के अगर प्रमाण वहां पे पूछा जाए कि क्या था, तो पीपल के वृक्ष पर जो है एक देवता को जो दिखाया गया है, तो पीपल के वृक्ष और देवता के भी जो साक्ष्य वहां से मिले हैं। पशुओं की भी जो पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें क्या थी चीजें पशुओं के अंतर्गत जो है, यही जो है प्रकार की चीजें जो चारों तरफ अंकित थे जो है योगी के, उन्हीं के बारे में जो वहां पे भी वर्णन किया गया है कि बाघ है, हाथी है, भैंस है,
एक सिंह वाले जो पशु हैं, तो इन लोगों की जो है भी पूजा करने के साक्ष्य जो है मिले हुए हैं, यानी कि पशुओं की भी जो पूजा होती थी वृक्षों के जो है समान ही। यहाँ पर ताबीज का वर्णन किया गया। ताबीज क्या होता है? धार्मिक जीवन से इसका बहुत ही कनेक्शन नजदीक में माना जाता है, और ये माना जाता है उस काल के लोग या उस समाज के लोग, उस काल क्रम के लोग जो है कहीं ना कहीं इस अनिष्ट से डरते थे कि भूत प्रेत उनका कुछ न कुछ जो बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वो ताबीज में विश्वास करते हैं। स्वास्तिक का निशान भी यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो बताता है, स्वास्तिक का निशान जो कि चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में जो स्वीकार किया गया है और सूर्य पूजा के प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज जो धार्मिक जीवन के बारे में बताया जाएगा कि गौ पूजा और मंदिर के साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार कूट में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से क्या नहीं है, तो गौ पूजा और साक्ष्य। हाँ, ऊबड़ वाले बैल यहाँ पर जो है फेमस थे, और एक सिंह वाले पशु। जब पशुओं की पूजा की बात होती है तो एक सिंह वाले जो है पशु और कुबड़ वाले बैल तो आते हैं, लेकिन गौ पूजा की जो है बात यहाँ पे नहीं की गई है। गौ पूजा की बात नहीं की गई और मंदिर के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताता है। अब यहाँ पे धार्मिक जीवन के बारे में कुछ जो सूचियां हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जिसके माध्यम से वहां पे उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है दिखाया गया है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ताबीज जो है वो भूत प्रेत से बचने के लिए जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में था, बैल था शिव का वाहन, और इसी तरीके से स्वास्तिक था सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव थे योगेश्वर का प्रतीक, बकरा बलि हेतु था, श्रृंग जो है शिव का रूप था, नाग जो है पूजा हेतु था, भैंसा जो है देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था, और युगल समाधान पति पत्नी के साथ सती होने के भी जो साक्ष्य यहाँ पर जो है दिखाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक जीवन को यहाँ पर देख लिया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है माप तौल की चीजों को भी देखेंगे कि ये लोग जो है माप और तौल से भी जो है परिचित थे। माप तौल के चीजें परिचित थे मन के, और जो है इसी तरीके से धातुओं के जो है अनेक प्रकार के बाट के साक्ष्य मिले हैं, और 16 के गुणक में जो है वो इन बाटों का जो है प्रयोग 16 के गुणक में जो है करते थे। ये वहां पे एक डंडा प्राप्त किया गया जिसपे जो है पैमाने जो बनाए गए हैं, तो जिससे ये पता चलता है ये लोग नाप तौल से जो है काफी हद तक जो है परिचित थे। और इसी तरीके से वहां पे जो है मोहनजोदड़ो से जो सीप के पैमाने, लोथल से हाथी दांत के पैमाने, और सुतकोतरा से तराजू पाए गए हैं। ये सारी चीजें इसलिए बताई गई जा रही, यद्यपि अगर ऐतिहासिक स्तर पर हम शोध में जाते हैं तो बहुत ढेर सारी चीजें पाई गई, लेकिन हम परीक्षा के लिहाज से इस चैप्टर को विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो है आप लोगों ने देखा कि जो सीप के पैमाने, इसी तरीके से जो है लोथल से हाथी दांत के, और सुतकोतरा से जो है तराजू के जो साक्ष्य यहाँ पर पाए गए हैं। तो माप तौल की भी चीजें यहाँ पर थी, और इसी तरीके से मृदभांड को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब मृदभांड का क्या मतलब है? मिट्टी के बर्तन। कहने का मतलब शिल्प कला यहाँ पर जो विकसित थी ही, तो मिट्टी के बर्तन यहाँ पर जो है प्रयोग में लाए जाते थे। इसके लिए जो ये लोग जो चाक का प्रयोग करते थे, चाक के माध्यम से जो बर्तन जो है बनाते थे, और उस पर वृत्त और वृक्ष, यानी कि वृत्त इसकी मैं बात कर रहा हूं, और इसके साथ में जो है कहीं कहीं पर वृक्ष के जो है उस पर चित्र उकेरे जाते थे, चित्रांकन जो है उस पर जो किया जाता, किस पर? मिट्टी के बर्तनों पर, जो कि चाक के द्वारा बनाया जाता था। अब ये बर्तन जो होते थे लाल और गुलाबी रंग के होते थे, जिससे पर काले रंग का जो चित्रांकन किया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी वो मृदभांड के संदर्भ में देखने को मिलती है कि मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे काफी अच्छी स्थिति में जो है थे। मुहर अगर शिल्प कला की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो मुहर की जो कला है वो बहुत ही विकसित अवस्था में पाई गई थी। लगभग 2000 जो है यहाँ पर मुहरे पाई गई थी, और ये मुहरे अगर देखा जाए तो आकार में जो है वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार सभी रूपों में जो है पाई गई है, बेलनाकार में भी पाई गई। तो चार प्रकार से जो है मुहर के जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, एक तो वर्गाकार, वृत्ताकार और आयताकार तथा बेलनाकार जो पाए गए हैं। और इनका मुहरों का निर्माण जो था वो सेल खड़ी से होता था। सेल खड़ी
मोहरों का जो निर्माण था वो सेलखड़ी से जो है होता था। इन मोहरों का निर्माण जो सेलखड़ी के माध्यम से होता था। यद्यपि तांबे के भी मोहर बनाए जाते थे, लोथल से तांबे के मोहर का जो साक्ष्य मिला है, और इसी तरीके से लोथल और मोहनजोदड़ो से नाव के भी जो है साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, जो कि मोहरों पर नाव अंकित की गई है, वह कहाँ से पाए गए हैं? लोथल और मोहनजोदड़ो से, और लोथल से जो है तांबे के जो है मोहर पाए गए हैं। तो मोहरे यहाँ पे सेलखड़ी जो कि एक मिट्टी का विशिष्ट प्रकार है, और दूसरी तरफ जो है तांबे के। तो जब भी कोई कलाकृतियों की बात हम लोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, चाहे जब हम शिल्पकला की बात कर रहे थे तो भी एक तरफ मिट्टी होता है, एक तरफ धातु जो है होता था, और धातु में तांबा टिन और कांसा सारी चीजें भी जो है आ सकती हैं। तो मोहरों में जो है ये चीजें यहाँ पर जो है दिखाई गई हैं कि इनका जो है यहाँ पे रोल रहा है। अब एक और आता है मृड मूर्ति। मृड मूर्ति का मतलब क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां। ये भी हड़प्पा सभ्यता में जो है काफी पाई गई हैं, और इसमें जो पक्की मिट्टी की चीजें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा, ये पक्की मिट्टी की चीजों को कहा जाता है, उसे टेराकोटा के नाम से, पक्की मिट्टी की चीजों को टेराकोटा के नाम से कहा गया है। तो यहां पर जो मूर्तियां होती थी वो पक्की मिट्टी की भी जो होती थी, मृड मूर्तियां होती थी, और मिट्टी की जो मूर्तियां जो है यहाँ पे बनाई जाती थी। अब इसके मिट्टी की मूर्तियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मिट्टी की मूर्तियों के अंतर्गत जो है पशुओं की, पक्षियों की भी जो है बनाई जाती थी, पुरुष और महिलाओं की भी बनाई जाती थी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है वो स्त्रियों की मिली हैं यहाँ से। तो ये चीज आपको परीक्षा के लिहाज से देखना होगा कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन उसमें जो है किसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा होती थी? स्त्रियों की मूर्तियां वहां पे सबसे ज्यादा होती थी। जो है प्रतिमाएं भी जो है यहाँ पे बनाई गई हैं। एक तो प्रतिमाओं को ही जो है मूर्ति कहा जाता है, लेकिन उसी की श्रेणी में जो है इसको अलग कर दिया गया है, मिट्टी की जो मूर्तियां बना दी गई हैं। और जब केवल प्रतिमाओं की बात की जाएगी तो धातुओं की भी जो है मूर्तियों की बात कही जा सकती है, क्योंकि वहां पर एक कांसे की जो है नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त की गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्तियों में है, कांसे की जो है नृत्य करती हुई मूर्ति, जिसके गले में जो है एक माला है, हार है, बाकी उसका सारा भाग जो नग्न अवस्था में जो है दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ की व्यवस्था को देखने पे ये प्रतीत होता है कि एक विकसित जो है सभ्यता के जो है यहाँ पे लक्षण जो पाए जाते हैं। और अंत में हम लोग एक और टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे, समाधान की व्यवस्था। ये भी टॉपिक परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाधान की तीन व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। एक जो है दाह संस्कार की जो व्यवस्था थी, और एक था पूर्ण जो है समाधिकरण, और एक था आंशिक समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में शव को जला दिया जाता था, और उसके जो है जले हुए भाग को किसी मिट्टी के बर्तन में रख करके जो है गाड़ दिया जाता था। तो ये व्यवस्था होती थी दाह संस्कार के अंतर्गत। पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत जो है शव को पूरी तरीके से जो है दफना दिया जाता था, और आंशिक जो है समाधिकरण के अंतर्गत जो है शव को जो है पशुओं के खाने के बाद जो अवशेष उसका बचता था उसे जो है जमीन में गाड़ दिया जाता था या दफना दिया जाता था। तो ये व्यवस्थाएं होती थी जो है समाधान की, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। यहाँ पर एक प्रक्रिया और तरीके के बारे में देखा जाए तो हमेशा से जो है उत्तर और दक्षिण में जो है इन शवों को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है दफनाया जाता था। इधर की तरफ जो है उत्तर की तरफ जो सिर होता था और दक्षिण की तरफ जो है उसका पैर होता था। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ जगहों पर इस अपवाद भी देखने को मिले हैं, कुछ जगहों पर इसके अपवाद भी देखने को मिले हैं। और अपवाद ये है कि हड़प्पा और कालीबंगा में अगर देखा जाए तो ये उत्तर दक्षिण के बजाय दक्षिण और उत्तर में जो किए गए हैं, यानी कि सिर जो है दक्षिण की तरफ और पैर जो है वो उत्तर की तरफ है। कहाँ पे किया गया? हड़प्पा और कालीबंगा के अंतर्गत इस तरीके की बातें कही गई हैं। लोथल में अगर देखा जाए, लोथल में अगर देखा जाए तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ, और रोपण एक ऐसा स्थान है जो कि पंजाब में है,
तो पास पंजाब है, तो इसीलिए वो पश्चिम से पूरब की तरफ जो है की गई है। थोड़ा सा याद करने का तरीका यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि समाधान जो है वो चार तरीके से होती थी, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, लेकिन ज्यादातर जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में ही जो है किया जाता था। और समाधान के भी दो तरीके थे, युगल समाधान और मिश्रित समाधान। युगल समाधान के जो साथ है लोथल और कालीबंगा से जो है, लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान के जो साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। और मिश्रित समाधान की जो व्यवस्था अगर देखा जाए तो लोथल में जो है वहां पर सौ के साथ में बकरे को जो है भी समाधान किया गया, जो कि रोपण में जो है मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी जो है दफनाए जाने के रूप में जो है साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं। तो ये भी टॉपिक समाधान बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, माप तौल, मृदभांड, मिट्टी की जो है मूर्तियां और समाधान इत्यादि पर जो है चर्चा किया हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज था कि जब कृषि की हम लोग जो बात कर रहे थे तो यहां पर यह देखना था कि कृषि से संबंधित जो व्यवस्थाओं में कपास की खेती की जो साख सबसे पहले जो है वो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, क्योंकि इसके जो खेती की गई थी वो सिंधु नदी के जो है किनारे या सिंधु घाटी में किया गया था, इसीलिए यूनानियों के द्वारा उसको सिंडन नाम दिया गया था। सिंडन नाम दिया गया था। तो आज के इस लेक्चर में जो हड़प्पा सभ्यता के जो दूसरे और अंतिम भाग पर हम लोगों ने चर्चा किया, अगले लेक्चर में इसी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप एक से दो बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा, ये आपकी तैयारी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता से हर परीक्षा में सवाल जो पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं जिसके माध्यम से आप लोगों को समझ बढ़ी होगी। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।